और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का खिताब मिला था। देश में 10 साल से चल रहे ब्रांड मोदी की तरह ही देखते ही देखते बुलडोजर बाबा भी उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स ब्रांड बन गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर एक तरीके से फिलहाल ब्लैकेट यानी बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी राज्य सरकारों को कह दिया है कि सिर्फ आरोपी ही नहीं अदालत से दोषी करार दिए जाने के मामलों में भी इस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन कोर्ट ही तय करेगा। कोर्ट के दिशा निर्देश तय किए जाने के बाद ही आगे की कोई भी कार्रवाई हो सकेगी। सुनवाई की अगली तारीख 17 सितंबर 2024 तय की गई है। मामले से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ साफ कहा है कि हम पूरे देश के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण देंगे। देखा जाए तो लव जिहाद और घर वापसी जैसी मुहिम की बदौलत यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची योगी आदित्यनाथ की राजनीति को आगे बढ़ाने में एनकाउंटर पॉलिटिक्स और बुलडोजर जस्टिस का ही सबसे बड़ा हाथ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से सबसे ज्यादा अभी योगी आदित्यनाथ की ही राजनीति प्रभावित होने वाली है, यानी योगी आदित्यनाथ ही कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जस्टिस बी आर गवई ने पूछा कि किसी का घर महज इस आधार पर कैसे ढहाया जा सकता है कि वो किसी मामले में आरोपी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि हमने एफिडेविट के माध्यम से दिखाया है, नोटिस काफी पहले ही भेजा गया था। बोले ढहाने की प्रक्रिया का किसी भी अपराध से कोई संबंध नहीं है। तुषार मेहता के जवाब में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर वकील दुष्यंत दवे और सीओ सिंह का कहना था कि घर इस कारण ढहाए गए क्योंकि वो किसी मामले में आरोपी है। जस्टिस बी आर गवई ने साफ साफ बता दिया कोई भी व्यक्ति दोषी भी है तो कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बगैर उसका घर ढहाया नहीं जा सकता। 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके ऐसी कई मुहिम चलाई जिनका असर आकलन करें तो अलग से किया जा सकता है, लेकिन पाया तो यही गया कि असर से ज्यादा विवाद हुए। एंटी रोमियो एस्क्वाड और पुलिस एनकाउंटर जिसमें एक पुलिस वाले के मुंह से ही ठाए ठाए बोलने से लेकर गाड़ी पलटने तक के किस्से जुड़ते चले गए। एक आघोषित मुहिम को दबी जुबान में पुलिस महकमे में ऑपरेशन लंगड़ा भी कहा जाता था, जिसमें कथित अपराधियों के एनकाउंटर के दौरान उनकी टांग में गोली मार दी जाती रही ताकि वे अपराध को अंजाम देने लायक न रहे। और बुलडोजर एक्शन तो अलग ही दहशत पैदा करने वाला रहा है। वैसे तुषार मेहता और यूपी सरकार के हलफनामे से लगता है कि ऐसी कोई कार्रवाई स्थानीय स्तर पर विकास प्राधिकरणों या नगर निगम की तरफ से की जाती रही है। ये भी बताया जा रहा है कि कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि वे निर्माण अवैध थे। हो सकते हैं ये भी हो सकता है कि उसके लिए उनको नोटिस भी दिए गए हो। ऐसा भी देखने को मिलता है कि स्थानीय स्तर पर नोटिस दिए जाने के बाद संबंधित पक्ष कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें ज्यादा संबंधों और राजनीतिक रसूख के अलावा भ्रष्टाचार के तौर तरीकों का इस्तेमाल होता है और ये सिलसिला चलता रहता है तब तक जब तक कि प्रशासन को बिल्डिंग गिरा डालने की मजबूरी न पैदा हो जाए। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर एक्शन का राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा फायदा मिला है। और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, योगी आदित्यनाथ अपने समर्थकों के बीच बुलडोजर बाबा तो बन ही गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि बुलडोजर एक्शन यूं ही चलता ही रहा है। लखनऊ के कुछ इलाकों में कुछ घरों पर निशान लगाए जाने के बाद लोग परेशान हो उठे थे।
ऐसे लोग जब अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ ने उनको भरोसा दिलाया और कार्रवाई रोक दी गई। तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पंत नगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, वहाँ रहने वाले लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। एनजीटी के आदेशों के क्रम में फ्लड प्लेन जोन में जो निशान लगाए गए हैं वहाँ निजी भूमि भी है, लेकिन निजी भूमि को खाली कराने की न तो कोई आवश्यकता है और न ही कोई प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को समझे तो अब नहीं लगता कि ऐसी स्थिति फिर से आने वाली है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को भी ऐसी ही कोई नई मुहिम शुरू करनी होगी, जो बुलडोजर बाबा की उनकी छवि को आगे न भी बढ़ा पाए तो कम से कम बरकरार तो रख सके। मुमकिन है कि ममता बनर्जी से प्रेरित होकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी पश्चिम बंगाल जैसा कोई कदम उठाया जाए, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बलात्कार के मामलों में त्वरित न्याय के लिए एंटी रेप बिल ला चुकी है। यूपी में भी योगी आदित्यनाथ चाहे तो बुलडोजर चलाने के लिए कोई कानून तो बना ही सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला है। कांग्रेस की सरकार रहते राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी वैसे ही मामलों में बुलडोजर चलवाया था, जैसे योगी आदित्यनाथ कराते रहे हैं। और कंगना रनौत के दफ्तर पर मुंबई में जब बीएमसी का बुलडोजर चला था तब तो महाविकास अघाड़ी की ही सरकार थी जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कट्टर हिंदू नेता होने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की एक सख्त प्रशासक के रूप में भी छवि गढ़े जाने लगी थी। ऐसा नेता जिसके हिंदुत्व की राजनीति लाइन में जो आड़े आता है उसके साथ तो वो बुलडोजर स्टाइल में ही पेश आते हैं। चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ का एक बयान काफी ज्यादा चर्चित रहा, 10 मार्च के बाद गर्मी शांत कर देंगे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 10 मार्च को ही नतीजे आए थे और उसके पहले से ही योगी आदित्यनाथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से ठनी होने के बावजूद आत्मविश्वास से लबालब नजर आ रही थी। योगी आदित्यनाथ की अब तक जो छवि निखर कर आई है लव जिहाद और घर वापसी कैंपेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। योगी आदित्यनाथ की छवि को निखारने में पहले जो भूमिका हिंदू युवा वाहिनी की हुआ करती थी बाद में बुलडोजर ने भी कुछ वैसा ही रोल निभाया। चुनाव कैंपेन के दौरान योगी की रैलियों में बुलडोजर भी वैसे ही रखा जाने लगा था जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे इमरजेंसी इंतजाम किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फरमान का असली असर यूपी में होने जा रहे और चुनाव के नतीजों पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बुलडोजर एक्शन को लेकर के जाने जाते हैं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगाने का काम जरूर किया है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की जो बुलडोजर वाली छवि है उस पर विराम लग गया है। अब देखना होगा आने वाले समय में यानी योगी आदित्यनाथ अब बुलडोजर के एक्शन में क्या विकल्प ढूंढ पाते हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि वो इस छवि को बरकरार रख पाते हैं या फिर नहीं। माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसका असर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा और योगी आदित्यनाथ के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर बड़ा फर्क पड़ने वाला है। योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। फिलहाल देखना होगा आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कमाल कर पाते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने पॉलिटिकल बाइट के साथ।